हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एंटीबॉडी की संरचना के बारे में। आप ये वीडियो दादीज हेल्पलाइन पे देख रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी की, एंटीबॉडी की संरचना कैसी होती है। अब एंटीबॉडी की संरचना होती है ना, एंटीबॉडी की संरचना होती है वाई शेप। एंटीबॉडी की संरचना होती है वाई शेप, वाई आकार की होती है एंटीबॉडी की संरचना। और जो इसका स्त्रावण होता है यानी इसका सिक्रेशन होता है, वो बी सेल के द्वारा किया जाता है। इसका सिक्रेशन बी सेल के द्वारा किया जाता है। और जो सेल है ना, एंटीबॉडी का स्त्रावण यानी सिक्रेशन करती है, उनको बोलते हैं प्लाज्मा, प्लाज्मा सेल्स कहते हैं। यानी एंटीबॉडी का सिक्रेशन है तो प्लाज्मा सेल्स कहलाती है। उनका सिक्रेशन जो करती है, उनको सिक्रेशन होता है इनका बी सेल के द्वारा। इनकी संरचना होती है वाई शेप, ठीक है। अब एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी होती है ना, एंटीबॉडी किसकी बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन की। एंटीबॉडी की जो ये एंटीबॉडी होती है, ये ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। और एंटीबॉडी का निर्माण होता है ना, वो दो चेन का नहीं होता है, यानी इनका निर्माण दो चेन के द्वारा होता है। इनकी एक चेन तो हो गई हेवी और दूसरी चेन हो गई लाइट। एक हेवी चेन हो गई और एक लाइट चेन हो गई। हेवी चेन हो गई ना, हैवी चेन होती है, वो होती है पांच प्रकार की। और जो लाइट चेन होती है ना, वो लाइट चेन होती है दो प्रकार की। अब पांच प्रकार की कौन सी होती है हैवी चेन। पहले तो हो गई म्यू, दूसरी हो गई डेल्टा, तीसरी हो गई गामा, चौथी हो गई एप्साइलन, पांचवी हो गई अल्फा। ये पांच टाइप की होती है। और जो लाइट चेन होती है, ये होती है टू टाइप की। एक तो हो गई लेमड़ा और एक हो गई कप्पा, एक हो गई कप्पा। ये पांच टाइप की चेन होती है। अब ये जो म्यू होता है ना, इसको अपन बोलते हैं IgM। और ये जो डेल्टा आता है, इसको बोलते हैं IgD। और ये जो गामा होता है, इसको बोलते हैं IgG। और ये जो एप्साइलन होता है, इसको दर्शाते हैं जी से, ई से, ई से सॉरी, एप्साइलन को ई से दर्शाते हैं। और जो आपका अल्फा हो गया, अल्फा को ए से दर्शाएंगे। यानी ये IgM, IgD, IgG, IgE और IgA हो गई। और ये जो लाइट चेन होती है, दो प्रकार की हो गई कप्पा। अब ये जो कप्पा होगी ना, ये कप्पा तो क्या होता है, 60% पाई जाती है। और ये जो लेमड़ा होता है ना, ये लेमड़ा 40% पाई जाती है। अब अपन देख लेते हैं कि एंटीबॉडी की संरचना किस प्रकार की होती। अब एंटीबॉडी की संरचना होती है वाई शेप की। तो अपन एंटीबॉडी की हेलो संरचना बना लेते हैं। एंटीबॉडी की संरचना, जो इसके आगे का भाग होता है, यहाँ पे NH2 जुड़ा रहता है। और इसके यहाँ पे जो अंतिम पॉइंट होता है, इस पे COO- है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ा है। इन दोनों को जुड़े हुए रख, ये दोनों सल्फर सल्फर के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। ये VH, ये यहाँ पे VH हो गया वेरिएबल
हैवी, वेरिएबल हैवी हो गया, वी का मतलब होगा वेरिएबल, यहाँ पे वी है, इस वी का मतलब तो हो गया वेरिएबल, और ये जो एच है इस एच का मतलब हो गया हैवी, ठीक है, ये वी एच हो गया, यहाँ पे जुड़ा होता है वी एल एंड यहाँ पे सी एल, यहाँ पे भी वी एच वी एल एंड सी एल। अब ये सी एल यहाँ पे क्या है, सी ए तो होता है यहाँ पे कांस्टेंट, एल का मतलब हो गया लाइट, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अपन देखते, ये वाली होती है ना, ये वाली, इसको तो बोलते हैं लाइट चेन, लाइट चेन कहते हैं इसको, तो इसको बोलेंगे लाइट चेन। और ये हो गई हैवी, ये हो गई हैवी चेन, ये होता है, ये होती है दोनों, ये होती है एंटीबॉडी बाइंडिंग साइड, या ना यहाँ पर जो एंटीजन, एंटीजन सॉरी एंटीजन बाइंडिंग साइड, या ना एंटीजन एंटीजन बाइंडिंग साइड, या ना यहाँ पर एंटीजन आके जुड़ेगा यहाँ पे, ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल, यहाँ पे हो गया CH1 CH2 CH3 CH4, यहाँ पे भी हो जाएगा 1 2 3 एंड 4, ये जो जुड़े हुए होंगे इसको बोलते हैं हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट, ये हो गया आपका हिंज जॉइंट, ये हैवी चेन, ये हो गई आपकी लाइट चेन, ये लाइट चेन, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। इसको सरल तरीके से मैंने समझाया है, यदि आपको समझ में आया, यदि आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, और हो सके तो आगे शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, आपने मेरी वीडियो को देखा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।